पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे से भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में भारत का पक्ष रखने वाले देश के जाने माने वकील हरीश सॉल्वे ने इस केस के लिए बतौर फीस महज ₹1 लिया। वहीं पाकिस्तान ने जाधव को जासूस साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15 मई 2017 को एक ट्वीट में जानकारी दी थी कि हरीश सॉल्वे ने जाधव का केस लड़ने के लिए ₹1 लिया है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल देश की संसद में बजट दस्तावेज पेश किया था, जिसमें कहा गया कि आईसीजे में भारत का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक कुरैशी आईसीजे में केस लड़ने वाले सबसे कम उम्र के वकील भी हैं। आर्थिक तंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान के जाधव केस पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने पर सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जाधव की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सॉल्वे की तारीफ में सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्वीट हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने सॉल्वे की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। नीदरलैंड के हेग स्थित आईसीजे में भारत की कूटनीतिक व कानूनी जीत के हीरो रहे जून 1955 में जन्मे हरीश सॉल्वे ने महज ₹1 में केस लड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सॉल्वे की एक दिन की फीस करीब 30 लाख रुपए है, लेकिन जाधव का केस उन्होंने महज ₹1 में लड़ा। वह 1999 से 2002 तक देश के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। उनके पिता एनकेपी सॉल्वे पूर्व कांग्रेस सांसद और क्रिकेट प्रशंसक थे। अप्रैल 2012 में उनका निधन हो गया। तो भारत की तरफ से इतनी बड़ी कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे अधिक जानकारी के लिए बने रहें क्रिक आकाश के साथ। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।